वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के वीडियो सीरीज़ का 8 लेक्चर। आज हम सीखेंगे ग्रे कोड। ग्रे कोड एक्चुअली होता क्या है? मैंने पहले कुछ लिख रखा है, ग्रे कोड इज़ नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। ग्रे कोड अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इसका यूज़ कर कर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट ए BCD कोड, ये BCD कोड नहीं है, बाइनरी कोड डेसिमल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ए साइक्लिक कोड, ये एक साइकिल की तरह काम करता है, साइक्लिक कोड होता है। बिकॉज सक्सेसिव कोड वर्ड इन दिस कोड डिफर इन 1 बिट पोजिशन ओनली। इसका मतलब हो कि हर एक कोड वर्ड में से 1 का ग्रे कोड और 2 का ग्रे कोड के डिफरेंस, दोनों के ग्रे कोड का डिफरेंस ओनली 1 बिट का ही डिफरेंस होगा और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे हम देखते हैं। और इसमें एक और बात है कि जैसे हम BCD कोड और XS3 कोड में देखते थे कि उसका कोड 4 बिट का ही होता था, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 4 बिट का ही लिखना है, ऐसे लिखना है। अगर आपको जितना बिट का पूछा जा रहा है उतना बिट का आप लिख सकते हैं। अगर जैसे डेसिमल नंबर मैं इधर लिख देता हूँ, डेसिमल नंबर 0, 1, 2, ठीक है, ये ग्रे कोड है। अगर 0 का ग्रे कोड क्या होगा, 0 होगा, और 1 का ग्रे कोड क्या होगा, 1 होगा। बस आपको ये याद रखना है। अब अगर आपको 2 और 3 का ग्रे कोड लिखना है तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन कीजिए और 0, 1 लिखें तो आप इसको उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 1 और 0, ठीक है। और ये जो लिखे हैं इसके आगे लगा दीजिए 1 और इसके ऊपर वाले के आगे लगा दीजिए 0। ये हो गया 2 का ग्रे कोड, ये हो गया 3 का ग्रे कोड, ठीक है। अगर आपको लिखना है 4 का ग्रे कोड तो अब आप इस पूरे होल को एक यूनिट मानिएगा और इसके आगे लगाइएगा लाइन। अब इसको आप उल्टा ऑर्डर में लिखिएगा, पहले 1 0 1 0, ये 4 5 6 7, 1 0 लिखा, फिर 1 1 1 1, 0 1 0 1 00 00, इन सब के आगे लगा दीजिए आप 1 1 1 1, और इन सब के आगे लगा दीजिए 0 0 0 0। ये हो गया आपका 4 का ग्रे कोड, ये हो गया 5 का ग्रे कोड, ये हो गया 6 का, ये 7 का, ठीक है। ऐसे ही ग्रे कोड लिखते हैं। 8 का अगर ग्रे कोड लिखना है तो आप यहाँ पर लाइन लगाइए, इसको एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि यहाँ से 1 00 और इसके आगे लगा दीजिए 1, ये हो गया 8 का ग्रे कोड। आगे किसी भी नंबर का आगे कितना भी 0 लगा दिए, नंबर तो ही रहेगा, चेंज तो होने वाला है नहीं, ये हो गया 8 का ग्रे कोड। 9 का अगर ग्रे कोड लिखना है तो ये वाला नंबर 1 00 तो लिख दिया, ये 1 0 1 और इसके आगे लगा दीजिए 1। नॉर्मली हमें पहले तो लिखना है 0 1, अगर 2 का लिखना है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए, 0 1 को लिख दिया 1 0 और उसके आगे लगा दीजिए 1 1 और इसके ऊपर वाले में 0 0, ये हो गया आपका 2 और 3 का। 4 5 का लिखना है इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, पहले 0 1 1 1 0 1 0 0, फिर इसके आगे लगा दीजिए 1 1 1, ये हो गया 4 का ग्रे कोड, 5 का, 6 का, 7 का और इसके आगे ऊपर 0 लगा दीजिए। ये हमने देखा कि डेसिमल कोड से ग्रे कोड कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने कुछ लिख रखा है, ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम एट रैंडम किसी भी नंबर का अगर ग्रे कोड बोला जाए लिखने के लिए, जैसे बोला जाए कि 7 का ग्रे कोड लिखिए, ठीक है, इसका ग्रे कोड क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, पहले शुरू से 1 से 6 तक लिखिएगा, फिर 7 का लिखिएगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन हाँ हम 7 का बाइनरी हमें याद होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 का पहले बाइनरी लिख देंगे। बाइनरी, बाइनरी क्या होता है, 111, ठीक है, 111 हो गया। अब बाइनरी से हम ग्रे कोड कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करना है ये देखिए, राइट MSB ऑफ द बाइनरी एज द MSB ऑफ ग्रे कोड। अब मैंने आपको बताया था कि MSB क्या होता है और LSB क्या होता है। MSB बोले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB बोले तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो 7 का बाइनरी है 3 1 है, तो ये जो लास्ट वाला जो बिट होता है इसमें एक और आप 0 ऐड कर दीजिए, या
लास्ट वाला जो बिट होता है, इस वाले बिट को अगर 0 ऐड नहीं किए तो ये होता है आपका MSB, ठीक है, और ये होता है आपका LSB, लेफ्ट वाला होता है MSB और ये वाला होता है MSB, ठीक है, MSB LSB। अब आपको 7 का ग्रे कोड निकालना है, तो 7 का बाइनरी हो गया आपका 111। इसके MSB को राइट MSB ऑफ द बाइनरी एज MSB ऑफ ग्रे कोड, इसके MSB को एज इट इज हमने MSB लिख दिया ग्रे कोड में। एड MSB टू द बाइनरी ऑफ द नेक्स्ट बिट, इस MSB को हम नेक्स्ट बिट के बाइनरी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे। ये बाइनरी है ना आपका, बाइनरी है, तो MSB ऑफ द बाइनरी टू द नेक्स्ट बिट ऑफ द बाइनरी, ये MSB है, इसको ऐड करेंगे। राइट द सम एंड इग्नोर द कैरी। अब 1+1 किया, सम आएगा 0, कैरी आएगा 1, तो हमें क्या लिखना है, बस सम लिखना है और कैरी को इग्नोर करना है। तो सम आया 0, हमने 0 लिख दिया। फिर क्या करा है, सेकेंड बिट को थर्ड बिट के साथ ऐड करो, ये सेकेंड बिट है, सेकेंड बिट को थर्ड बिट के साथ, थर्ड बिट को फोर्थ बिट के साथ, ऐसे करना है। एड सेकेंड बिट विद द थर्ड बिट एंड राइट द सम एंड इग्नोर द कैरी एंड सो ऑन व्हेन द बाइनरी नंबर आर एग्जॉस्टेड। कब तक करेंगे, जब तक हमारा बाइनरी नंबर खत्म नहीं हो जा रहा। तो इसको इसके साथ ऐड किया, फिर 0 आया, तो ये आ गया आपका क्या, ग्रे कोड, ग्रे कोड ऑफ 7, बाइनरी कोड ऑफ 7। ये 7 का था बाइनरी में और इसका ग्रे कोड हो गया। हमें उतना लंबा 1 से लेकर 6 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने नॉर्मल लिख दिया। ऐसे ऑल ऑफ सडन अगर आपसे बोला जाए 8 का ग्रे कोड लिखिए, तो 8 का बाइनरी तो लिख सकते हैं 1000, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, MSB को MSB एज इट इज लिख देना है, 1 लिख दिया हमने। अब इसको इसमें ऐड करना है और सम को लिखना है, कैरी को इग्नोर करना है। तो 1+0 1 हुआ, सम, कैरी तो इसमें होगा नहीं, सम हो गया 1, हमने सम लिख दिया। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 0+0 सम हो गया 0, फिर इस 0 को इसके साथ, 0+0 0, ये हो गया आपका ग्रे कोड ऑफ 8, ठीक है। ऑल ऑफ सडन जैसे आप 10 ले लीजिए, 10 का ग्रे कोड लिखना है, तो आप पहले इसका सबसे पहले बाइनरी लिख दीजिए। 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010, ठीक है। इसका MSB है, LSB है, MSB लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट साइड वाला, और LSB राइट साइड वाला। MSB को एज इट इज लिख दीजिए, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1+0 1, केवल सम को लिखना है, कैरी को इग्नोर करना है, 0+1 1 1+0 1, ये हो गया आपका ग्रे कोड ऑफ 10। ऐसे एक और आप ले सकते हैं, ऐसे 14 का ग्रे कोड लिखना है, 14 का बाइनरी लिख दीजिए, 14 का बाइनरी क्या होता है, 1110, ठीक है। और आपको इसका ग्रे कोड लिखना है, तो MSB को एज इट इज लिखना है हमें, 1 का 1 हो गया। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों बिट, 1+1 0 सम आएगा, कैरी आएगा 1, हमें बस केवल सम को लिखना रहता है, कैरी को इग्नोर, तो 1+1 सम 0, फिर 1+1 फिर सम 0, 1+0 सम 1, तो यह आपका हो गया ग्रे कोड किसका, 14 का ग्रे कोड ऑफ 14। इस तरह हमने देखा कि बाइनरी से ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बाइनरी के बाद हम बाइनरी से हम तुरंत ग्रे कोड कन्वर्ट कर किसी भी नंबर का ग्रे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। अभी हमने देखा था बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम देखते हैं ग्रे टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने कुछ रूल लिख रखा है, इस रूल को समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी नहीं सॉरी ग्रे दिया हुआ है, 8 का ग्रे क्या है, ग्रे कोड है, ग्रे कोड दिया हुआ है 1100। अब हमें पता नहीं है कि 8 का है या किसका है, ये सॉरी मैंने बता दिया, ये कोई ग्रे कोड दिया हुआ, ठीक है। अब हमें इसका बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें MSB और LSB तो हमें पता है, 1100 ऐसे। द MSB ऑफ द बाइनरी कोड इज द सेम एज द MSB ऑफ द ग्रे कोड। MSB ये ग्रे कोड है, ग्रे कोड है, इसका जो MSB होगा वही MSB होगा बाइनरी का भी, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो दोनों का एमएसबी सेम होगा, तो इसका एमएसबी और इसका एमएसबी सेम। एमएसबी होता है लेफ्ट साइड वाला और एलएसबी होता है राइट साइड वाला। एड द एमएसबी ऑफ द बाइनरी टू द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड, ये हमें बाइनरी का एमएसबी मिल गया। अब इस एमएसबी को ग्रे कोड के नेक्स्ट बिट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ये एमएसबी है बाइनरी का, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे और क्लोज सम को लिखेंगे, राइट द सम एंड इग्नोर द कैरी, और ओनली सम को लिखना है, कैरी को इग्नोर करना है। वन प्लस वन सम हो गया जीरो, कैरी हो गया वन, तो क्लोज सम को लिखेंगे, कैरी को इग्नोर करेंगे, सम जीरो लिख दिया। फिर इस बीट को, ये बाइनरी का बीट है और ये ग्रे का है, फिर इन दोनों को सम करेंगे, जीरो प्लस जीरो सम जीरो, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो, ये आ गया आपको बाइनरी कोड। हमें ग्रे कोड मिला था, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे अगर एक और क्वेश्चन ले, तो अगर वन 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 ये ग्रे कोड है, ठीक है, ग्रे कोड है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो ग्रे कोड का जो एमएसबी होगा वही बाइनरी का एमएसबी है। एमएसबी ऑफ द बाइनरी सेम एज द एमएसबी ऑफ ग्रे कोड, तो इसका एमएसबी है तो बाइनरी का भी एमएसबी होगा। अब इस बिट को, बाइनरी वाले बिट को नेक्स्ट ग्रे कोड के बिट से ऐड करेंगे। वन प्लस वन ऐड करने के बाद हमें केवल सम को लिखना है, कैरी को इग्नोर करना है। वन प्लस वन सम हो गया जीरो, कैरी हो गया वन, ठीक है। फिर सेकेंड बीट, ये बाइनरी का सेकेंड बीट हो गया और एक ग्रे का थर्ड बीट हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करना है, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन सम हो गया जीरो, कैरी हो गया वन, हमें केवल सम को लिखना है, कैरी को इग्नोर, वन प्लस वन सम हो गया जीरो। तो ये आपको आपने कन्वर्ट कर दिया ग्रे कोड में, सॉरी बाइनरी कोड में, ठीक है। अगर आप एक और क्वेश्चन ले लें, अगर आपको ग्रे कोड कोई दिया हुआ है 1001, ठीक है, ये आपको ग्रे कोड में है। अब आपको इसका बाइनरी फाइंड करना है, एमएसबी को एज इट इज एमएसबी लिख दीजिए 1। अब इस को इसके साथ ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, केवल सम को लिखेंगे और कैरी को इग्नोर करेंगे, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 जीरो, ठीक है। ये आपका हो गया बाइनरी। इस तरह हमने देखा कि ग्रे कोड होता क्या है, ग्रे कोड बाइनरी से ग्रे कोड कैसे करते हैं और ग्रे टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या पीछे जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।